हजारों तलबा के वालदैन परेशान हैं। हिंदुस्तान में भी दूसरे ममालिक के लोग भी परेशान हैं कि उनके बच्चे जंग के हालात में वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जरा बताइए कि इस परेशानी से उभरने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से क्या कदम लिए जा रहे हैं, और आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ लोग किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि उनके बच्चे वापस लौट आए। जी बिल्कुल, लगातार जो है कल आपने के केंद्र सरकार की तरफ से जो वहाँ के ये सूरत हाल है यूक्रेन और रशिया के बीच जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए लगातार जो है भारत सरकार वहां से के एम्बेसी से बात कर रही है और वहां मौजूद जो लोग हैं उनके छात्रों या उनके परिजनों को लगातार आश्वासन दे रही है। जैसा कि कल बिहार सरकार ने भी एक IPRD के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया था, सर्कुलर जारी कर उन्होंने बताया था कि जो भी लोग बिहारी वहां पे जो फंसे हुए हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम लोग लगातार जो है प्रयासरत है, वहां के एम्बेसी से लगातार जो है रابطہ कर रहे हैं ताकि वहां से लोगों को सुरक्षित जो भी भारतीय है या फिर जो भी बिहारी छात्र जो एजुकेशन के लिए मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं उनको बराह रास्त है उसको निकाला जाएगा। और मौजूदा जो हालात है, जो एक फ्लाइट आई है उसमें से जो कुछ छात्र आए हैं जैसे गया से कुछ लोगों से बात हुई, कटिहार से और भी प्रदेश के बिहार के जो दूसरे शहरों से जो लोग पहुंचे हैं उनका बहुत ही मतलब उन छात्रों का कहना था कि लगातार कॉलेज और कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो है उनको प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप लोग कॉलेज रेगुलर रहे, नहीं तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन या फिर आप लोग का जो फी वगैरह था वो सब कट कर दिया जाए, जिसकी वजह से और मौजूदा जो हालात है उसको लेके जो छात्र जो आना चाहते तो वो कॉलेज प्रशासन की वजह से वो लेट हो गए और नहीं आ पाए, जिसकी वजह से और जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो मामला जो युद्ध की स्थिति कल जो 24 तारीख से शुरू हुआ है उससे और ज्यादा लोग जो है छात्र के साथ साथ वहां पे लोग जो है उनके पेरेंट्स जो जहां से भी देश के दूसरे विभिन्न हिस्सों से जो है वो लोग काफी परेशान है और वो लगातार सरकार से लेके जिला प्रशासन से लेके सब तरफ वो अपनी गुहार लगा रहे हैं और किसी तरह से उनके बच्चे सुरक्षित जो है वापस अपने वतन लौट जाए। जी महमूद, बिहार रियासत के तकरीबन कितने तलबा यहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं इस वक्त? अभी तक जो ताजा जानकारी आई है उस मुताबिक बिहार के सैकड़ों ऐसे छात्र जो है हर साल जो है हायर एजुकेशन के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए यूक्रेन जाते हैं। जैसा कि हमारे जो सूत्र हैं उनके मार्फत से हमें ये जानकारी मिला है कि हर साल सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल के लिए इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और ऐसे अभी सैकड़ों छात्र हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं, सिर्फ छात्र। और कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो उसमें 1000 ऐसे परिवार हैं जो छात्र हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं जिनकी रेस्क्यू के लिए लगातार जो है सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो वहां तक वहां की एम्बेसी से बात कर उन्हें पोलैंड के जरिए या फिर रोमानिया के रास्ते जो बॉर्डर एरियाज हैं उनसे उनको लाने की कोशिश के लिए लगातार वो प्रयासरत है। जी महमूद, जो तस्वीरें अंकित और उन जैसे दीगर तलबा ने वहां से भेजी है उनके मुताबिक इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट्स ने और दीगर लोगों ने वहां मेट्रो स्टेशंस के अंदर जो जो अंडरग्राउंड स्टेशंस है वहां पर पनाह ली हुई है, क्योंकि वहां पर बम और मिसाइल्स का असर नहीं होता, और इस तरह हजारों लोग मेट्रो स्टेशंस में ही मौजूद है, बहुत परेशानी के जी आलम में बिल्कुल, है। आप जो जी बच्चे से ज्यादा वहां जो अभी मौजूदा हालात है वहां के लोग तो समझ ही रहे होंगे, उनसे कहीं ज्यादा परेशान वहां से यहाँ हिंदुस्तान से जो लोग के दूसरे उस मुल्क में जाके अपने एजुकेशन के लिए या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या किसी और भी मकसद से वहां पे जो जाके बसे बाशिंदे हैं उनकी और परेशानी बढ़ गई और वो लगातार जो रास्ते के जरिए किसी बॉर्डर के जरिए आसपास के जो बॉर्डर है उनके मार्फत वो जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं मगर जो हालात जिस तरह से है वो लगातार उनका सहारा लास्ट में मेट्रो स्टेशन और भी जो बंकर्स वगैरह है उनमें वो अपने आप को सुरक्षित किए। हालांकि अभी तक जो सूचना मिली है सुबह में भी 2 बमबारी हुई, कुल मिला के अब तक यूक्रेन में 137 लोगों की मौत हुई है जो वहां के टीवी के जी, जरिए जो है ये जानकारी हम तक प्राप्त हुई है। बहुत शुक्रिया आपका महमूद, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।